जिए संसार जिए संसार जिए समृद्ध। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो, पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो, पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। आज अगस्त 1 तारीख शनिवार विश्व समुदाय सेवा संघ द्वारा इस सत्संग में आपको आगमन करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। आज हमारे साथ विचार करने के लिए है स्काइप उप प्राध्यापक डी अर्चना जी तिरुनेलवेली से। शीर्षक है योग विज्ञान में ध्यान। अर्चना जी महाराष्ट्र के हैं, अभी तिरुनेलवेली में विलेज सर्विस प्रोजेक्ट ग्राम सेवा योजना के अंदर पूरी सेवा कर रहे हैं। पिछले 15 साल वो स्काई योगा के साथ एसोसिएटेड हैं। इन्होंने एमए हिंदी में किया है और इसके अलावा योगा फॉर ह्यूमन एक्सलेंस में डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा भी किया है और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अभी तिरुनेलवेली में सर्विस कर रहे हैं। इनके योगदान को हम कई सारी बीएसपी के जो हिंदी पैम्फलेट्स आप देख रहे होंगे उन सब में अर्चना जी का काफी बड़ा योगदान है। आइए अभी सुनते हैं योग विज्ञान में ध्यान। नमस्कार। जिए संसार जिए समृद्ध। आज इस अवसर पर इस भाषण के लिए मुझे चुनने के लिए WCSC IT डिपार्टमेंट के सभी सदस्यों की मैं आभारी हूँ। इस भाषण में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है योग विज्ञान में ध्यान। ध्यान विज्ञान से कैसे जुड़ा है इसके बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे। गुरु की कृपा इस सत्संग में बनी रहे। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु अपने गोविंद दियो मिलाए। ईशता का बोध देने वाले गुरु तत्वज्ञानी वेदांतरी महर्षि को मेरा प्रणाम। मानव छठे इंद्रिय के साथ पैदा हुआ है। पहले मानव की कमर दूसरे प्राणियों की तरह झुकी हुई थी, उस कारण ब्रेन का विकास कम था। वक्त के अनुसार मानव का मेरुदंड सीधा हो गया और ब्रेन का विकास हुआ। इससे मानव की सोच बदल गई, उसकी गुणवत्ता और प्रवीणता बढ़कर वो ज्ञान के मार्ग पर चलने लगा। इससे उसे मैं कौन हूँ से लेकर ईशता का ज्ञान मिला। उसी प्रकार नैसर्गिक ज्ञान लॉ ऑफ नेचर का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। तभी से मानव जाति एक साथ रहने लगी। मिलजुल कर रहना ही जीवन है, इसको समझने लगे। तभी से योग का जन्म हुआ। योग का मतलब हार्मोनी या यूनिटी। लाइफ में एकत्र रहना ही जीवन है, उससे ही सुख शांति बनी रहती है। इसका ज्ञान उसे प्राप्त हुआ। इस एक्सपीरियंस को सभी जगह पर उसने फैलाया। यह ज्ञान एक अनुभव के रूप में था, इसका कोई एविडेंस नहीं था। उस समय पतंजलि मुनि ने योग सूत्र नामक किताब लिखी। योग सिद्धि के लिए 8 स्थितियों को पार करना जरूरी है, इसके बारे में इस किताब में लिखा गया है। यमा नियमा आसना प्राणायामा प्रत्याहारा धारणा ध्यान समाधि, इन 8 स्थितियों में समाधि 8वीं स्थिति है। इस स्थिति को पार करने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। योग का मतलब था ब्रह्मचर्य का पालन करना, जंगल में जाकर तपस्या करना और बचपन से सब कुछ त्याग कर गुरु की सेवा करना। तभी 12 से 14 साल के बाद उनको दीक्षा दी जाती थी और महिलाओं को तो इसमें स्थान ही नहीं था। मगर हमारे गुरु वेदांतरी महर्षि ने सरल रूप में ध्यान करने के तरीके बताए। बिना ब्रह्मचर्य किसी जंगल में न जाकर परिवार में ही रहकर ध्यान सीखा जा सकता है और महिलाओं को तो इसमें उच्च स्थान दिया गया है। महर्षि ने सरल ध्यान में 9 प्रकार के ध्यान निर्मित किए हैं। ध्यान का मतलब मन को प्राण शक्ति पर एकाग्र करना। इससे मन की फ्रीक्वेंसी कम होती है। मन की फ्रीक्वेंसी बीटा अल्फा टीटा डेल्टा है। ध्यान करने से यह फ्रीक्वेंसी
बीटा से डेल्टा तक कम होती है। बीटा वेव्स 14 to 40 seconds साइकिल पर सेकंड्स, उस वक्त मन की स्थिति इमोशनल होती है। अल्फा वेव्स 13 to 8 साइकिल पर सेकंड्स, उस वक्त मन एकाग्र करने की स्थिति में होता है। थीटा वेव्स 7 to 4 साइकिल पर सेकंड्स, उस वक्त मन ब्रह्मांड तक फैलता है, सृष्टि का ज्ञान मिलता है। डेल्टा पर वेव्स में 1 to 3 साइकिल पर सेकंड, उस वक्त ईशता का बोध होता है, ईशता से मन एक जीव होता है। मन को इस फ्रीक्वेंसीज में बदलने के लिए ध्यान करना जरूरी है। ध्यान में पहली स्टेप है आज्ञा ध्यान, जो दो आईब्रो के बीच में किया जाता है। गुरु के आशीर्वाद से, स्काई टीचर के सहायता से, मूलाधार में जो कुंडलिनी शक्ति है वो मेरुदंड की राह से आज्ञा चक्र पर रखी जाती है। प्राण शक्ति आईब्रो के बीच रखकर ध्यान करते हैं। इससे मन की फ्रीक्वेंसी को अल्फा 8 to 13 साइकिल पर सेकंड तक कम कर सकते हैं। इससे पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है। इसमें इंद्रियों पर कंट्रोल, जागरूकता और आगाम्य कर्म खत्म होते हैं। हमारे शरीर में जो 7 चक्र है उसमें आज्ञा 6ठे स्थान पर है। आज्ञा चक्र नीचे के 5 चक्रों को काबू में लाता है और उससे जुड़े थायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को एनर्जी देता है। आज्ञा ध्यान करने से प्राण शक्ति अपने सिर पर बढ़ जाती है। उसे सारे शरीर में फैलाने के लिए दूसरा ध्यान है शांति ध्यान, जो बहुत ही मुख्य ध्यान कहलाते हैं। इसे नीचे उतारने वाला ध्यान भी कहते हैं। इससे ज्ञान चक्र पर भरी हुई प्राण शक्ति वापस मूलाधार में लाकर रखी जाती है। इससे प्राण शक्ति शरीर शक्ति में बदल जाती है, जिससे शरीर में ह्यूमिनिटी बढ़ती है। बॉडी पेन, फीवर, इंडाइजेशन जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। शांति ध्यान करने से ध्यान शक्ति बढ़ती है, अच्छी आदतें बनी रहती है, शारीरिक शक्ति मन की शक्ति में बदलती है। शांति योग करने से मानसिक तनाव कम होता है। शारीरिक शक्ति बढ़ने के बाद जब हम अगला ध्यान करते हैं तो उस ध्यान की योग शक्ति आसानी से मिलती है। जब एक हफ्ते के बाद सूर्य ध्यान की दीक्षा देते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा होता है। सूर्य ध्यान सिर के उच्च स्थान पर किया जाता है, उसे क्राउन ध्यान या सहस्राधार भी कहा जाता है। इस ध्यान से ब्रेन सेल में पोलारिटी बढ़कर उसे एक्टिव रखता है। इस ध्यान की दीक्षा आंखों से दी जाती है। कारण यह है कि आंखों की नसें सीधे पिनियल ग्लैंड से संबंध रखती है। इस ध्यान से गुड इंटेंशंस भी मिलते हैं। ब्रेन जो करोड़ों सेल से बना है और कई भागों में विभाजित है, इसमें कई इनएक्टिव सेल्स है जो शायद हमारे पूरे जीवन काल में एक्टिव हो ही नहीं सकते, वे इस ध्यान से हम एक्टिव कर सकते हैं। इस ध्यान से मन एक्सपैंड होता है और उस कारण जो शुभकामनाएं देती है उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है और इमोशनल स्थिति में हमारा काबू रहता है। ऑटो सजेशन में इसका काम बहुत अच्छा होता है। मन में दृढ़ता बढ़ती है। मन बीटा वेवलेंथ में 13 to 8 साइकिल पर सेकंड में स्थित रहता है। हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन नामक एक सुरभि है जो खाली रात में ही काम करती है, जो रात में अच्छी नींद देती है। उसको एक्टिव करने का काम यह ध्यान करता है, जिससे रात में अच्छी नींद आती है। इस ध्यान से सेरोटोनिन नामक एक हैप्पी हार्मोन भी एक्टिव होता है, जिससे जीवन में हैप्पीनेस आता है। योगा अभ्यास में इस ध्यान को ही उच्च ध्यान कहा जाता है, मगर हमारे महर्षि ने इससे भी ऊपर का ध्यान हमें दिया है,
जिसका नाम है दुर्यादिदेव, जो ईशता का बोध देता है। दुर्यादिदेव ध्यान मास्टर की एनर्जी से ज्ञान दीक्षा के रूप में दिया जाता है। इसे मन दीक्षा या कर्म दीक्षा कहा जाता है। इस ध्यान में मन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होकर समाधि स्थिति में जाती है। इस प्रपंच के जो रहस्य है वह सामने आते हैं। यहाँ जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मन इस यूनिवर्सल की सीमा से बाहर जाकर ईश स्थिति प्राप्त करता है, जिसे शिवकलम इटर्नल स्पेस या ग्रेविटी कहते हैं, जहाँ बायोमैग्नेटिज्म और यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म एक होकर त्रिकाल ज्ञान मिलता है। दुर्यादिदेव ध्यान को परिपूर्ण ध्यान भी कह सकते हैं, जिससे इस यूनिवर्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसका ज्ञान मिलता है। इसमें डेल्टा स्टेज को पाने से परिपूर्ण जागरूकता के साथ मन की फ्रीक्वेंसी को 1 से 3 साइकिल पर सेकंड तक रखकर परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें संचित कर्म खत्म होते हैं। इन 4 ध्यानों के सिवा महर्षि ने 5 स्पेशल मेडिटेशन बनाए हैं। इसमें पंचभूत नवग्रह ध्यान, पंचेंद्रिय ध्यान, 9 चक्रों पर ध्यान, नित्यानंद ध्यान और आखिर में ईशता का बोध देने वाला ध्यान। पंचभूत नवग्रह ध्यान, यह पूरी सृष्टि पंचभूत का मेल है। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना यह प्रपंच जीवन के उत्पत्ति का कारण है। इसके मेल से ही पृथ्वी पर जीव राशि का निर्माण हुआ है। अगर ये पंचभूत हमारे शरीर में सही मात्रा में हो तो उनसे मिलने वाली एनर्जी हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, नहीं तो उसकी बाधा से शरीर को कई प्रकार के रोग से घेर लेती है। जैसे भूमि शरीर के दृढ़ मसल्स और बोन से, जल शरीर के रक्त और वाटर पार्टिकल से, अग्नि शरीर के तापमान से, वायु शरीर के श्वास या एयर सर्कुलेशन से और आकाश शरीर के प्राण शक्ति से संबंध रखता है, जिससे एनर्जी पाकर शरीर स्वस्थ रख सकते हैं। इन पर ध्यान करने से वो एनर्जी सुलभता से हम पा सकते हैं। वैसे ही नवग्रह ध्यान भी है, जो 9 ग्रह है उनके माध्यम से सूर्य से हड्डी को, बुध से त्वचा को, शुक्र से वीर्य शक्ति को, चंद्र से खून को, मंगल से बोन मैरो को, गुरु से ब्रेन को, शनि से नसों को और राहु केतु से हमारे ऊर्जा शक्ति को ऊर्जा मिलती है। इस ध्यान से हमारी प्राण शक्ति ग्रहों और पंचभूतों से मिलाव करती है, जिससे उनसे आने वाली बाधाएं भी सहजता से हमारा शरीर संभाल लेता है, इसलिए आने वाला रिजल्ट भी अच्छा होता है। इस ध्यान से जीवन में सक्सेस होकर पर्याप्त फल प्राप्त होता है। इस ध्यान की तरह पंचेंद्रिय ध्यान भी है, जो हमारे 5 इंद्रियों पर किया जाता है। आज्ञा ध्यान में हम पंचेंद्रियों पर काबू पा सकते हैं, मगर अलगता से एक एक पर ध्यान करने से उससे ज्यादा फायदे मिलते हैं। बायोमैग्नेटिज्म के कम ज्यादा होने के कारण हमारे पंचेंद्रियों में बदलाव आता है, जो बदलाव सुनना, देखना, स्वाद, सूंघना में बदलते हैं। 1 इंद्रिय से 5 इंद्रियों तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में ये ध्यान किया जाता है। त्वचा, जीभ, नाक, आँख, कान, इन 5 इंद्रियों से हमारी जीवघांत शक्ति ज्यादा से ज्यादा खर्च होती है, जिससे प्राण शक्ति कम होकर हमें जल्द ही टायर्डनेस आता है और इस कारण
कई छोटे बड़े रोगों का सामना हमें करना पड़ता है। इस ध्यान से एक मुख्य लाभ हमें मिलता है, हमें भौतिक चीजों पर का मोह खत्म होता है। सभी कार्य माप तोल और सही तरीके से करने की आदत हमें पड़ती है। अगला ध्यान है नौ चक्रों पर ध्यान, जो हीलिंग ध्यान भी कह सकते हैं। इस ध्यान से हमारे शरीर के सात चक्र के पास के सभी ऑर्गन को एनर्जी मिलती है। उसी प्रकार हर एक चक्र एक एंडोक्रेन ग्लैंड से संबंध रखता है। उसी प्रकार पंचभूत का भी इन से संबंध है, जैसे मूलाधार चक्र, प्रजनन ग्रंथि, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो भूमि से संबंध रखता है, स्वादिष्ठान, एड्रीनल जल से संबंध रखता है, मणिपूरक, पैनक्रियास अग्नि से संबंध रखता है, अनाहत थाइमस वायु से संबंध रखता है, विसुति थायराइड और आकाश से संबंध रखता है, आज्ञा पिट्यूटरी से और धूर्य पिनियल ग्लैंड से संबंध रखता है। इन सात चक्रों पर ध्यान करने से चक्र एक सरल रेखा में आकर कुंडलिनी शक्ति उभर कर धूर्य तक आने में मदद होती है। बाद में मन एक्सपैंड होकर एब्सोल्यूट स्पेस तक जाता है। यह ध्यान करने से पूरा शरीर हिल होकर तन और मन के रोगों से छुटकारा मिलता है। इसके बाद जो ध्यान सिखाया गया है वो नित्यानंद ध्यान है, जो पूर्ण शरीर पर किया जाता है। इससे प्राण शक्ति पूर्ण शरीर पर फैलती है। शरीर का हर सेल पुनर्जन्म लेकर एक्टिव होता है। जब मन पूरे शरीर पर फोकस करता है, यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म अपने बायोमैग्नेटिज्म में घुल मिल जाता है, जिसमें परमानंद की स्थिति प्राप्त होती है। इससे हर एक सेल एनर्जेटिक होकर शरीर को हमेशा नित्य आनंद में रखता है। हर एक सेल में प्राण शक्ति भरकर एक जीवकांत कवच हमारे ऊपर बनता है, जिसे हम अपना आरा कहते हैं, जिसमें किसी भी नेगेटिव विचारों का प्रवेश नहीं हो सकता। और एक अद्भुत ध्यान जो महर्षि ने निर्मित किया है, जो है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसे प्रश्नों के उत्तर, वो ध्यान आसानी से सामने रखता है। ईशता ध्यान करने से इस ब्रह्मांड के उत्पत्ति का रहस्य और इस धरती पर जीव राशि की उत्पत्ति का ज्ञान दिलाता है। इस ध्यान से हमें पता चलता है कि मैं और ईश्वरत्व दोनों एक है। इस जगत में हर एक वस्तु हो या जीव राशि हो, सभी ईशता का भाग है। ऐसे अद्भुत नौ ध्यान महर्षि ने सुलभता के साथ हमारे सामने रखे हैं, मगर इनको बनाने में उनको कई साल लगे और इस पर उन्होंने बड़ी रिसर्च की है। दिखने में और सीखने में ये सुलभ ध्यान के लाभ देखे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ध्यान करने से हमारे विचार, सोच और बोल बदल जाते हैं। हमारे जेनेटिक सेंटर में जो आगाम्य संचित और प्राप्त कर्म है वो लगभग खत्म होते हैं और उनसे आने वाले फल या विफल को संभालने की हमें शक्ति मिलती है। ध्यान करने से हम कर्म योग सहजता से करने लगते हैं, जिससे हमारा जीवन नैतिक होता है। स्वार्थ कम होकर आंखें बंद करके सभी को मदद करने लगते हैं। हमारे कर्म निष्काम कर्म बनते हैं। हम खुद, परिवार, रिश्तेदार, देश, विश्व की ओर अपने कर्म करने लगते हैं, जिससे हम अपने खुद की देखभाल करने लगते हैं। रोज ध्यान करना, व्यायाम करना हमारा कर्म बनता है। हम हमारा ख्याल रखने लगते हैं। हमें खाना, काम, आराम, इंद्रियों का प्रभाव और विचार आदि में माप तोल और सही तरीके से उसकी
उपयोग करने की आदत पड़ती है। मतलब हमारे शरीर को जितना चाहिए उतना ही उसका उपयोग करने लगते हैं। ध्यान करने से हमारे शरीर में बायोमैग्नेटिज्म का प्रमाण बढ़ता है। इसके कारण खाना आराम कम होता है, काम करने का तरीका बदल जाता है, कम वक्त में ज़्यादा और सही काम करने लगते हैं, इंद्रियों का प्रभाव कम होकर अपने आप उस पर काबू आता है। उसी प्रकार अच्छे विचार हमारे सामने आते हैं, हमारी सोच बदल जाती है। परिवारजनों का ख्याल बहुत ही प्यार से करने लगते हैं क्योंकि अब हम स्वस्थ हैं। उस कारण उनकी देखभाल करना सुलभ बनता है और ध्यान से मन की फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण उनके भावनाओं को जानकर उनसे अच्छे से पेश आते हैं। इससे परिवार में शांति बनी रहती है। सहिष्णुता, उदारता, त्याग जैसे भाव अपने आप मन में उभर जाते हैं। बड़ों को देखकर बच्चों के मन में भी अच्छे गुण भरते हैं। अच्छी आदतें खुद ब खुद जीवन का हिस्सा बनती है। रिश्तेदार या आस पड़ोस वाले हमसे एक अच्छे ढंग से पेश आते हैं। उनकी मदद करना हमारा कर्म है क्योंकि अगर आस पड़ोस में या रिश्तेदारों में झगड़े का माहौल हो तो घर की शांति बिगड़ जाती है। ध्यान में उनको शुभकामनाएं देने से उनके और हमारे विचार और मिल जाते हैं और हम जैसा चाहते हैं वे वैसे ही बदलते हैं। देश या गांव के प्रति हमारा कर्म है जितना हो सके उतनी मदद देश या गांव के लोगों को हम करें। देश के लिए सही ढंग से कर भरना, देश के नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है जो हम बड़े ही आसानी से पार करते हैं। ध्यान में अपने गांव, जिले या देश को शुभकामनाएं देने से उनके ऊपर सद्भावना उत्पन्न होती है। हम ध्यान करते समय विश्व के सभी नेताओं को शुभकामनाएं देते हैं, हमेशा विश्व शांति की प्रार्थना करते हैं। ध्यान करने से विश्व के सभी लोग हमारे भाई बहन के समान हमें लगते हैं। विश्व में कहीं भी किसी व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ता है तो हमें उसका दुख होता है। यही नहीं, ध्यान करने से कुशाग्रता, उदारता, ग्रहण शक्ति, आशुग्राहिता और रचनात्मकता जैसे गुण उत्पन्न होते हैं। ध्यान करने से जाने अनजाने में अपनी आदतें बदलती हैं। जैसे पेड़ पर से सूखा पत्ता कब गिरता है और नए पत्ते कब आते हैं इसका पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बुरी आदतें खत्म होकर अच्छी आदतें खुद ब खुद पैदा होती है। उससे हमारा जीवन खिल उठता है। इसके लिए रोज ध्यान करना जरूरी है। जीवन स्नेह और करुणा से भरा होता है। इसको जानने के लिए एक आसान तरीका है। अगर हम जीवकांत शक्ति से भरे हैं, तो सभी को वो अट्रैक्ट करता है। जैसे छोटे बच्चे हमारे पास आने पर रोना बंद करते हैं, किसी को मन कष्ट हो तो अपना दुख हमसे शेयर करना चाहते हैं, किसी पौधे को रोज पानी दे तो अच्छे से खिल उठता है और फल फूल देता है। जो इन ध्यान को रोज करते हैं वे ही खाली इसको समझ सकते हैं। सभी लोगों को समझ में आए इस कारण महर्षि ने सुलभ व्यायाम, सुलभ ध्यान, सुलभ कायाकल्प और सुलभ आत्मविश्लेषण का निर्माण करके हमारे सामने रखा है, जिसे हमें हर गांव, हर शहर, हर देश में लेकर जाना है और महर्षि के विचारों को फैलाना है। हम सभी को एकजुट होकर इस सेवा को करके एक आनंद प्राप्त करना है। इसलिए देवी की शक्ति हम पर बनी रहे। स्वस्थता, दीर्घायु
समृद्धि सुयश परम न्याय युक्त हम जिए। इस भाषण का अवसर देने के लिए WCSC IT डिपार्टमेंट और आप सभी का सभी को मेरा धन्यवाद। जिए समृद्ध। जिए समृद्ध, जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। सभी श्रोताओं की ओर से इस प्रवचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और ध्यान के लिए धनलक्ष्मी जी और प्रवचन के लिए अर्चना जी को धन्यवाद करते हैं। अब सवाल जवाब के लिए मंच खुला है। अपने प्रश्न पूछने के लिए कृपया अपने जूम ऐप में हाथ बढ़ाएं बटन दबाएं। सवाल जवाब सत्र शुरू करने के पहले हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। कृपया अपने सभी निकट और प्रियजनों को कायकल्प योग सीखने की और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें। हमारा वेबसाइट kayakalpayoga.edu.in में जाकर या एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करके आप इसमें फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आजकल विशन द्वारा सभी कोर्सेस ऑनलाइन में सिखाए जा रहे हैं। kundaliniyoga.edu.in पर आप जाकर इसका पूर्ण विवरण ले सकते हैं। हमारी मासिक पत्रिका अंडुली अब एंड्रॉयड ऐप में भी उपलब्ध है। इस पे प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाम मात्र की सदस्यता पर स्वामी जी की बहुमूल्य प्रवचनों की रिकॉर्डिंग प्राप्त कर सकते हैं। आज भी हमने वेव थियरी के बारे में स्वामी जी का एक स्पीच को अपलोड किया हुआ है। स्काई योगा टीवी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहें और सभी पुराने प्रवचनों को आप इसमें सुन सकते हैं। इसके अलावा वेदात्रियम के कर्मयोग के सिद्धांतों के अनुसार समाज के अच्छे कारणों के लिए आय का 1% दान देने का सुझाव दिया जाता है। जैसा कि आप में कुछ लोग जानते हैं, ये दान व्यय नहीं है बल्कि निवेश है। आप एक अच्छे कर्म के रूप में जितना भुगतान करते हैं उसे कहीं अधिक आपको मिलता है। हम आपको अंडुली ऐप के माध्यम से या हमारी आधिकारिक वेबसाइट vedatri.edu.in के माध्यम से विश्व समुदाय सेवा संघ को दान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस दान के लिए धारा 80 जी का छूट भी उपलब्ध है। अभी हम प्रश्नोत्तर सत्र के साथ आगे बढ़ते हैं। कृपया अपने नाम और स्थान के साथ अपना परिचय दें। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने प्रश्नों को सीधा बताएं। पहले अजय जैन जी हम आपको अभी अनम्यूट कर रहे हैं, कृपया अपना सवाल पूछ सकते हैं। अर्चना जी हैं, वो आपको जवाब देंगे। नमस्कार जी, ये समृद्ध जी, संसार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत स्पष्टीकरण से विस्तार से समझाया, बहुत क्लियर था। मेरा पहला सवाल ये है कि अभी जो क्लासेस है वो इंग्लिश और तमिल में, तो हिंदी में कब से स्टार्ट हो सकती है? मुझे आवाज नहीं बराबर आ रही है आपकी। आपकी सवाल बहुत कम हो गया आवाज। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, आपका जो स्पीच था वो बहुत क्लियर था और बहुत डिटेल में था, मतलब एक एक चीज क्लियरली समझ में आ रही थी करके। तो मेरा पहला सवाल था कि अपना ये जो ऑनलाइन क्लासेस है वो अपने वेबसाइट में आके इंग्लिश में है और हिंदी में, तमिल में है, तो ये हिंदी में कब से स्टार्ट हो सकती है, कोई आइडिया है उस चीज का? वो नरेश जी बोलेंगे। हाँ जी, समृद्ध अजय जैन जी, अच्छा है आप लोग इसका इंक्वायरी कर रहे हैं। और सेकंड सवाल है वो पूछूंगा मैं कैसे? ठीक है, आप सवाल पूछ लीजिएगा फिर हम जवाब। दूसरा सवाल है कि अपन जो कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं और जो थर्ड आई बोलते हैं वो दोनों एक है या अलग है? ओके, पहले सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ, फिर दूसरे सवाल अर्चना जी आपको बताएंगे। अभी हम सिर्फ तमिल और अंग्रेजी में चालू किए हैं। जब थोड़ा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ती है तो हिंदी भी कर सकते हैं। न्यूनतम 50 लोगों की हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए अभी इंतजार है। फिर भी आप इंटरेस्ट में क्वेरी में अपना नाम डाल के रखिएगा। जब भी हम हिंदी में चालू करते हैं हम आपको सूचना दे देंगे, फिर आप सबको इसके बारे में बता सकते हैं। अब आपके दूसरे सवाल के लिए अर्चना जी। जी समृद्धि, कुंडलिनी शक्ति जो है जो हमारे मूलाधार में रहती है, जो
स्काइप टीचर्स के द्वारा उठाकर आईब्रो के बीच में रख सकते हैं हम लोग। वो रखने के बाद जो फीलिंग आती है, एक्टिवेट होती है, वो अलग है। कुंडलिनी शक्ति जब आईब्रो के बीच आती है तभी हम उसको फील कर सकते हैं। जब तक वो मूलाधार में रहती है वो उसको हम फील नहीं कर सकते। इसलिए जब तक है वो शांति में रहती है वो वहां पे कुछ काम नहीं करती। ऊपर आज्ञा में रखने के बाद ही उसका काम वो चालू करती है। तो इन दोनों में क्या क्या फर्क है मैडम? नहीं, आज्ञा चक्र को थर्ड आई बोलते हैं अनिल जी। अच्छा, आज्ञा चक्र आने के बाद ही वो फील करने शुरू करती है। जो अपने कुंडलिनी शक्ति जो नीचे होती है उसको अपन मतलब ऊपर आंखों के बीच में लेके आ जाते हैं। तो शक्ति मतलब हाँ, तो मतलब वो अपने गुरु के थ्रू वो ट्रांसफर होती है वहाँ पे। ट्रांसफर उसके थ्रू हाँ। जय समृद्ध अजय जी, आप खुद इसका अभ्यास मत कीजिएगा। आप कभी भी जैसे हमारे सेंटर खुलते हैं या आप ये जैसे कोर्स में ज्वाइन करते हैं, उधर जो मास्टर्स वॉलंटियर्स हैं सर्विस में हैं, वो आपको इसको प्रॉपर तरीके से जागरण करते हैं। तो आप कभी पुस्तक पढ़ के या यूट्यूब वीडियो पढ़ के या अपनी जो भी मन के अनुसार कभी इसको प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि ये साधारण सा नहीं है। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, कुछ कुछ गलत भी हो सकता है। इसकी वजह से प्रॉपर मास्टर से ही आपको जागरण लेना चाहिए, उसी समय ही आपको दीक्षा लेना चाहिए। नहीं, मैंने दीक्षा ली थी, वो तमिल में था एक्चुअली, यहाँ पे लोकल कोर्स। तो तमिल में क्या वो समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है। कोई बात नहीं सर, आप कहाँ से? रुचि थी कि मैं चेन्नई से हूँ। मेरी रुचि थी कि अगर हिंदी में हो तो समझने में बहुत इजी होता है। जैसे मैं समझने में सर होता है वो 20-25। ओके है सर, हिंदी का भी कई सारे प्राध्यापक चेन्नई में है हमारे विश्व समुदाय सेवा संघ की। अगर आप अपना नंबर और डिटेल दे दीजिएगा, हम उनकी आपसे संपर्क करा देते हैं, वो आपको हिंदी में पूरा समझा के आगे बढ़ाए। ठीक है, तो मैं कैसे शेयर करूँ आप? ओके, आप it@vedatri.ac.in पे मेल डाल दीजिएगा, हम आपको वापस कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है सर? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वाल्ट वाला मैडम जी एस चंद्र अभी अगला सवाल है विजय लक्ष्मी वेंकटेशन। मैम आपका अनम्यूट कर रहे हैं, जरा आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी समृद्ध, मराईमलई नगर से विजय लक्ष्मी। जी समृद्ध, योग विज्ञान में ध्यान शीर्षक लेकर बहुत बढ़िया स्पष्ट रूप में सरल तरीका में आप बहुत सुंदर से भाषण दिए माँ, बहुत बढ़िया थी। जी समृद्ध जी, कुछ सवाल है मैम? सवाल कुछ भी नहीं है जी। ओके, धन्यवाद जी। और धनलक्ष्मी अम्मा ने बहुत बढ़िया ध्यान भी दिया है, दुर्यादित ध्यान। धन्यवाद मैम जी समृद्ध। अगला सवाल नारायणन कन्नन कन्नन जी द्वारा। कन्नन जी आपको अनम्यूट कर दिए हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वापस म्यूट हो गया कन्नन जी, हमारी तरफ से हमने अनम्यूट कर दिया, आप अपना चेक कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रहा है कन्नन जी, बोलिए। नमस्कार, मेरे पास प्रश्न नहीं है, सिर्फ उनको बधाइयों अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए मैं जो हूँ कर रहा हूँ। और एक बात है, ये जैन साहब जिन्होंने अभी बात की थी उनको जो है हमें हमसे संपर्क करवाने के लिए थोड़ा प्रयास तो ये कर दीजिएगा, व्यवस्था कर दीजिएगा। कोई बात, हाँ कन्नन जी आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिएगा, शायद आदेश अजय जी सुन लेंगे। 9444-340-340-21-21। धन्यवाद कन्नन जी। अदरवाइज भी हमारा यही विचार था कि जब उनका ईमेल आएगा तो हम आपके पास ही भेजने वाले थे। अच्छा हुआ आप ही बताएं। हमारा ये सुनकर ही मैं ये अपना विचार प्रकट किया मैंने। जैसे अर्चना जी का वक्तव्य जो है बहुत बढ़िया था, वैसे बड़े सरल ढंग से उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से और शोध किया है, शोध परखा है, उसके लिए हम जो है
शनैहने धन्यवाद देते हैं उनके ऐसे इस दिशा की ओर उनका प्रयास हर वक्त सफल रहे, साकार बने उनके सपने सब। इस शुभकामनाओं इन शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी समृद्ध। अगला सवाल गैलेक्सी जी का है, कृपया आपने सीधा सवाल पूछिएगा, हम आपका अनम्यूट कर रहे हैं। गैलेक्सी जे फाइव आपका हाथ भी नीचे चला गया, म्यूट भी हट गया, एक मिनट। आप कृपया आगे आते समय अपने नाम के साथ आइए। गैलेक्सी जे फाइव हम आपको अनम्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, देखते हैं वापस। अभी बीच में गीता राम नारायण जी हम आपको अनम्यूट करें, कृपया अपना सवाल पूछिए। सरल प्रवचन के लिए सरलता इसके लिए हमारे शुभकामनाएं। हमें एक सवाल है, एक कुंडलिनी शक्ति। हाँ कुंडलिनी। हाँ बोलिए माँ। ये क्या है, क्या चीज है कुंडलिनी शक्ति? जो हमारे मूलाधार में बसी हुई एक शक्ति है, जो वही रहती है, जो 14 साल के बाद हम लोग उठाकर आईब्रो के बीच में रखते हैं। धन्यवाद। नरेश जी धन्यवाद जी समृद्ध। धन्यवाद। और किसी का कुछ सवाल है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो हम अब इस प्रश्नों से सत्र के अंत में पहुंचे। सभी सवालों को जवाब देने के लिए अर्चना जी को धन्यवाद। एक बार फिर आज हमारे हमारे लिए जो ध्यान क्लासेस लिए थे धनलक्ष्मी जी, उनको भी धन्यवाद, और अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए अर्चना जी को भी धन्यवाद। आइए इन प्रोफेसर्स को धन्यवाद देने के लिए सूर्यम पर आ जाते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। स्काई प्रोफेसर धनलक्ष्मी जी जी ए समृद्ध, स्काई प्रोफेसर अर्चना विंसेंट जी जी ए समृद्ध, उनकी अच्छी सेहत जी ए समृद्ध, उनके परिवार जी ए समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जी ए समृद्ध। दिव्य शक्ति आपको और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति प्रदान करें। कल आलियार ज्ञान मंदिर का कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। सुबह 6 बजे तमिल में व्यायाम, सुबह 7 बजे तमिल में नवकेंद्र ध्यान, सुबह 7:30 बजे अंग्रेजी में नवकेंद्र ध्यान, 11 बजे तमिल में स्वामी जी का एक भाषण सुनाया जाएगा, वो है अलै इयक्कम देव थियरी। शाम को 6 बजे तमिल में तुर्यातीत ध्यान, 7:30 बजे कन्नड़ में तुर्यातीत ध्यान, और 7:55 में कन्नड़ में एक प्रवचन है प्रोफेसर राजलक्ष्मी द्वारा, द फोर्सेस ऑफ थॉट एक्शन एंड विजडम। कृपया अधिक भागीदारी के लिए साझा करने में समर्थन करें। हम अपने प्रिय प्रमुख पद्मश्री एस के एम महिलानंद साहब को उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप सबसे कल पुनः बेन करने की आशा करते हैं, और हर एक शनिवार हिंदी में ऐसे प्रवचन होंगे, हिंदी में ध्यान होगा, कृपया अपने सभी हिंदी मित्रों को बताकर इसमें शामिल करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश signing off from WSCAC IT department. Thank you all. Parshav Namudan, Jason.